हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम लोग सभी अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एवरी संडे अन अकेडमी कॉम्बैक टेस्ट शुरू हो गया है, जो कि नीट स्टूडेंट के लिए है, नीट एस्पिरेंट के लिए है। तो आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, आपके जो भी पड़ोसी है, उनको सबको बताइए कि एवरी संडे 11 AM अन अकेडमी कॉम्बैक टेस्ट होता है, जिसका स्कॉलरशिप जो फर्स्ट आएगा उसको 4 करोड़ का स्कॉलरशिप मिला है। तो ऊपर आप जो QR कोड देख रहे हैं, वो QR कोड स्कैन करके वहाँ पे डायरेक्टली पेज पे लैंड हो सकते हैं। तो गाइज, आगे अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर अपने को नीट करना है, स्टूडेंट को नीट क्रैक करना है, तो बहुत सारे अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है लाइफ में। तो अन अकेडमी पे जो स्टाफ है, जो टीचिंग स्टाफ है, जो एकेडमिक काउंसिलर है, सबसे बेस्ट वहाँ पे अभी है। तो अन अकेडमी का स्टाफ, अन अकेडमी की फैकल्टी, अन अकेडमी के ट्यूटर्स, अन अकेडमी का नोट्स, अन अकेडमी की एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज, सभी बेस्ट क्वालिटी है। तो आप जाइए, मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में कोड मिलेगा, यहाँ पे भी स्क्रीन पे अभी जो कोड ब्लिंक हो रहा है, उस कोड के ऊपर अन अकेडमी पे जाके अपने जो भी फेवरेट कोर्सेस है उनको अनलॉक कीजिएगा और अपना नीट का सपना पूरा कीजिएगा। तो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आपका हॉल टिकट रिलीज़ हो चुका है, ऑफिशियल सर्कुलर वेबसाइट पे आ चुका है। तो हम लोग कुछ सर्कुलर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो सर्कुलर का पॉइंट है, वो आपको बताया है कि आपको सर्कुलर जो भी आपका हॉल टिकट है वो कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आपको सिंपली वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करना है एग्ज़ाम लिंक के फोल्डर में, ठीक है। फिर सेकेंड एक पॉइंट दिया है कि यहाँ पे स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉलेज का है। तो अगर आपको नहीं आता, अगर आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है, तो कॉलेज से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, कॉलेज आपको हॉल टिकट प्रोवाइड करेगा। फिर यहाँ पे जो इंटरनल असेसमेंट का जो आपका मार्क्स था वो प्रोविजनली एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका इंटरनल असेसमेंट का जो भी मार्क्स था वो प्रोविजनली एक्सेप्ट किया गया है अभी यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। फिर फोर्थ यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर आप एलिजिबल नहीं हो एग्ज़ाम के लिए, तो कॉलेज को आपको हॉल टिकट प्रोवाइड नहीं करना है। ये स्पेशली पॉइंट है कॉलेज के लिए, ठीक है। ये पॉइंट स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये पॉइंट है कॉलेज के लिए, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्प्लीटली कॉलेज का है। अगर आपके अटेंडेंस कम है या फिर कोई भी रीज़न से आप एलिजिबल नहीं हो एग्ज़ाम के लिए, तो कॉलेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हॉल टिकट ना दिया जाए और हॉल टिकट के ऊपर NE नॉट एलिजिबल ऐसे लिखा जाए। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हॉल टिकट के ऊपर आपका नाम अगर रॉन्ग प्रिंट हुआ है तो, ठीक है, अगर आपका नाम रॉन्ग प्रिंट हुआ तो आपको 12th का जो भी बोर्ड सर्टिफिकेट रहता है उसका कॉपी यूनिवर्सिटी को सबमिट करना पड़ता है। अगर हॉल टिकट पे आपका रॉन्ग नाम है तो आपका रिजल्ट पर भी वही नाम आने वाला है। तो ध्यान रखिए, अगर हॉल टिकट पे गलत नाम है तो उसे करेक्शन करा के लीजिएगा, ठीक है। फ़िलहाल अभी हॉल टिकट गाइस आ गया है, तो ज़्यादातर के अभी कैंसिल एग्ज़ाम, हैशटैग ये एग्ज़ाम, हैशटैग वो एग्ज़ाम, ये सब अभी छोड़ दो। अभी जो आया है सामने उसे फ़ेस करना है, ठीक है। तो फेस करो अभी, ठीक है, अपना अपना ध्यान रखो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो अब भी मतलब हॉस्टल पे ही है, तो और 2-3 दिन रुक के आप जा सकते हो। अगर आपको नहीं पॉसिबल तो आप जल्दी से जल्दी हॉस्टल पे जा सकते हो, ठीक है। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।